ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें कोई और नहीं बल्कि उदयपुर के वही हत्यारे हैं जिन्होंने दर्जी की गला रेतकर हत्या कर दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों हत्यारे भागने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं लेकिन आखिरकार पुलिस के बिछाए जाल में ये दोनों फंस जाते हैं। आरोपियों के हत्थे चढ़ते ही पुलिस उन्हें जमकर कूटती है। टेलर की हत्या करने वाले आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार 170 किलोमीटर दूर राजस्मंद जिले के भीम इलाके से पकड़े गए। इन हत्यारों के पकड़े जाने का घटनाक्रम भी काफी फिल्मी रहा। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी बाइक से भीमदेवगढ़ इलाके की तरफ भाग रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की और नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी की गई। जैसे ही दोनों आरोपियों ने यहां पुलिस को देखा वैसे ही दोनों कस्बे में घुस आए। आरोपी कस्बे से होते हुए बदनौर चौराहा कॉलेज के सामने हाईवे पर निकले। इसके बाद अजमेर की तरफ जाने लगे। पुलिस भी आरोपियों का पीछा करती रही और अड़ावाला मोड़ के पास दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने दोनों को पकड़कर सबसे पहले लात घूंसो और डंडों से सड़क पर ही पीटा। इसके बाद दोनों का बाल पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया। उदयपुर में हुई हत्या के बाद यहां तनाव का माहौल है। पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। उदयपुर में मंगलवार को हुई इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। वहीं NIA ने इस मामले में 5 अधिकारियों की एक टीम बनाई है जो घटनास्थल का दौरा कर हालातों का जायजा लेगी। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से NIA की टीम पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद इस मामले में FIR भी दर्ज कर सकती। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसियों को इस मामले में आतंकी तार जुड़े होने का शक है। NIA की टीम दोनों आरोपियों की प्रोफाइल खंगाल रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनके संपर्क किन लोगों से थे। वहीं इस पूरे घटना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उदयपुर में हुई क्रूर हत्या निंदनीय है। ऐसी हत्या को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। हमने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। हमारी सरकार से मांग है कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। विधि शासन को कायम रखना होगा।